दोस्तों, अगर आप क्रेडिट ऐप को यूज करके क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक में ट्रांसफर करते हैं तो थोड़ा आपको सावधान होना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो कभी आप इस मुसीबत में नहीं आओगे। इसलिए नहीं आओगे कि मैं रिसर्च करने के बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ जो आपके बहुत काम आ सकता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों, मैं काफ़ी टाइम से, बहुत सालों से मैं नो ब्रोकर यूज करता था। काफ़ी पेमेंट होल्ड हुआ, मैंने कंप्लेंट किया और इसके बाद रिफंड भी मिला, कोई दिक्कत नहीं हुआ। नो ब्रोकर के बाद मैं पेटीएम रेंट पेमेंट के थ्रू जो है पैसा बैंक में लिया करता था। इसके बाद क्रेडिट ऐप को भी मैं यूज करता था। कुछ ऑफलाइन शॉप पे जाके स्वाइप मशीन थ्रू वहाँ भी मैं कुछ ट्रांजेक्शन करके पैसा ले लिया करता था। उनसे मेरी पहचान थी तो मेरा काम हो जाया करता था। बाकी क्रेडिट ऐप में जो ट्रांजेक्शन है, जो क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर का प्रोसेस है, थोड़ा से आपको सावधान रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं रहते हो तो आप भी बैठ के रोगे, यकीन मानिए। दोस्तों, यहाँ पे जब आप क्रेडिट ऐप का पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड में या क्रेडिट कार्ड से बैंक में लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट ऐप में एक सबसे बड़ी कमी है, कस्टमर सपोर्ट नहीं है। मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए जो क्रेडिट ऐप के लवर हैं, भैया उनको तो थोड़ा से दुख होगा, बट भाई आप दुखी मत होना, मैं भी एक कस्टमर हूँ, मेरा काम है रिव्यू करना, मेरा काम ही बताना। क्रेडिट ऐप कस्टमर के अगर टीम अगर अपना ला दे तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक अच्छा है। कस्टमर केयर टीम इनका नहीं है, ये बहुत निगेटिव पॉइंट है। बाकी दोस्तों, क्रेडिट ऐप का पैसा आप अगर क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफ़र करते हो तो बहुत फास्ट बैंक में आता है, कोई इसमें शिकायत नहीं है। बट दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आप नोट डाउन करना, आप हमेशा मल्टीपल अकाउंट सॉरी मल्टीपल जो आपका अमाउंट होता है वही अमाउंट आप ट्रांजेक्शन करना, एक फिक्स अमाउंट आप ना ट्रांजेक्शन करना। इसलिए कि इनका जो सिस्टम है, अगर उसे जरा से भी कुछ शक हुआ तुरंत ही आपका अमाउंट होल्ड कर देगा, वो अमाउंट आप यूज नहीं कर पाओगे और आपको नहीं वो अमाउंट मिलेगा। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, चैट करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, एग्रीमेंट मांग सकते हैं। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, हफ्ते, 15 दिन लग सकते हैं अमाउंट वापस आने में आपके क्रेडिट कार्ड में। तो आप हमेशा क्रेडिट ऐप को यूज कर रहे हैं तो आप एक जैसे कि छोटा मोटा, जैसे कि मान लो 5,000, 10,000 या आप 8,490, 10,630 या आप 15,150, इस तरीके का अमाउंट आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो अमाउंट आपका जो है नहीं होल्ड होने का चांस रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में 1,50,000। सो मेरे पास काफ़ी सारे मेल आए हमारे व्यूवर्स लोग का, मेरे 50,000 किया, मेरा अमाउंट होल्ड है, किसी का 1,00,000 हुआ, होल्ड हो गया। तो मैं आपसे बता दूं, कभी भी आपको इस टाइप का अमाउंट आपको नहीं करना है। और याद रखना, क्रेडिट ऐप को आप मल्टीपल मोबाइल में ना यूज करें। जिस नंबर से आपका अकाउंट बना है और जो सिम आपका जिस मोबाइल में लगा है उसी में आप यूज करें, ज़्यादा आपके लिए सेफ रहेगा। अगर आप किसी और डिवाइस में यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका सिस्टम रोबोटिक्स ट्रैक करके पेमेंट आपका होल्ड कर देगा। दोस्तों, मैं काफ़ी टाइम से क्रेडिट भी यूज कर रहा हूँ, मुझे अब तक शिकायत का मौका नहीं मिला, बट मेरे पास काफ़ी सारे व्यूवर्स के मेल और कमेंट आए जो कि मैं उस बिहाफ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो आप हमेशा क्रेडिट कार्ड का पैसा कभी भी एक फिक्स अमाउंट ट्रांसफ़र ना करें। अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए आप एक दिन मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि मेरा पैसा होल्ड हो गया। देखिए, पैसा डूबता नहीं है, कोई कंपनी पैसा आपका लेकर नहीं भाग सकती, बट जरूरत पर वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। बिल डेट का टाइमिंग आ गया, ऊपर से पेमेंट करना है तो क्या करोगे? इस चीज़ को आप समझिएगा और एक हिसाब से अपने दिमाग से आप पेमेंट आप कीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पेटीएम का रेंट पेमेंट यूज करें, इसमें पैसा नहीं फंसता है। कारण ये है, इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है, पेमेंट अगर फेल्ड हुआ तुरंत ही पैसा प्रोसेस होता है रिफंड के लिए और 24 से 48 घंटे में पैसा कार्ड में भी आ जाता है। तो मुझे पेटीएम का ऐप सिस्टम बहुत अच्छा लगता है फेल्ड होने के बाद। तो आप थोड़ा से चार्ज तो लग रहे हैं, पेटीएम ने बढ़ा दिया है, बट याद रखना जहाँ जिस ऐप जो ऐप आपसे कम चार्ज में आपका हेल्प कर रहा है वो एक दिन आपको ले भी डूबेगा, यकीन मानिए, ये बिल्कुल सत्य बातें है। सोचिए, क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक में लेना रिस्की है, तो हिसाब से करना, कभी भी बड़ा अमाउंट कभी मत ट्रांसफर करना, बाकी आपकी मर्जी। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना। और एक बात और आपको लास्ट में बता दूं, आप कभी भी UPI ID ना डालें, हमेशा बैंक अकाउंट नंबर डालें, इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।